नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। चलिए फटाफट जानते हैं अब तक की प्रमुख खबरों को। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या में रेलवे स्टेशन अयोध्या धाम का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने 8 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, जिसमें 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं। अमृत भारत एक्सप्रेस देश में सुपरफास्ट यात्री ट्रेनों की नई कैटेगरी है। यह LHB पुश पुल ट्रेन है, जिसमें नॉन AC बोगियां हैं। इसमें रेल यात्रियों के लिए सुंदर और आकर्षक डिजाइन वाली सीटें, बेहतर सामान रैक, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, LED लाइट, CCTV, सार्वजनिक सूचना प्रणाली जैसी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध। JDU अध्यक्ष बनने के बाद नीतीश कुमार आज कई राज्यों के JDU नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इस मीटिंग में लोकसभा चुनाव की तैयारी और रणनीति पर चर्चा हो रही है। बीते दिन JDU की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई थी, जिसमें ललन सिंह के इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से JDU अध्यक्ष चुना गया था। नीतीश के अध्यक्ष बनने से JDU नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ लेफ्ट पार्टी भाकपा माले भी खुश है। भाकपा माले विधायक अजीत कुशवाहा ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि नीतीश के JDU अध्यक्ष बनने से इंडिया अलायंस को मजबूती मिलेगी। JDU का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद CM नीतीश कुमार आज दिल्ली से पटना पहुंचे। राजधानी में उनके स्वागत और अध्यक्ष बनने की बधाई और शुभकामनाओं वाले बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए। इसी बीच BJP ने उसके पैरेलल BJP राज्यसभा सांसद सुशील मोदी को भी पोस्टर लगाकर जन्मदिन की बधाई दी है। पोस्टर में उन्हें भीष्म पितामह बताया गया है। RJD विधायक फतेह बहादुर सिंह ने एक बार फिर हिंदू देवी देवताओं के बारे में विवादित टिप्पणी की है। RJD विधायक ने इस बार मां सरस्वती पर अपमानजनक टिप्पणी करते हुए उनकी पूजा पर सवाल खड़ा कर दिया है। इससे पहले उन्होंने मां दुर्गा के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया था। अयोध्या में राम मंदिर के लिए मिथिलांचल से बर्तन भेजने की तैयारी है, जिसमें करीब 1,00,000 श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद बनेगा। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल बताते हैं कि करीब 500 साल बाद भगवान राम अपने घर में विराजमान हो रहे हैं, तो उनकी ससुराल में उत्साह स्वाभाविक है। उन्होंने बताया कि परंपरा के अनुरूप अपनी बेटी के गृह प्रवेश के लिए उपहारों के साथ अयोध्या की सीता रसोई के लिए मायके से बर्तन भेजने की तैयारी है। भागलपुर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जिले के गोपालपुर गांव के रहने वाले 75 वर्षीय किसान संदीप मंडल के वृद्धा पेंशन खाते में 1 करोड़ रुपए आ गए। बैंक ने उनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। शुक्रवार सुबह किसान ने खुद साइबर थाने पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के तहत अब किसी भी छात्रवृत्ति के लिए आधार सत्यापन जरूरी है। इसकी सूचना राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना पोर्टल NSP पर दी गई है। साथ में सभी जिला शिक्षा कार्यालय को पत्र भी लिखा गया है। इसकी शुरुआत राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना से होगी। इस योजना अंतर्गत जमा आवेदन का आधार सत्यापन किया जाना है। इसके लिए सभी जिला शिक्षा कार्यालय को सूचित किया गया है। जिला शिक्षा कार्यालय के अनुसार सभी स्कूल प्राचार्य को NMSM के लिए जमा आवेदन का सत्यापन करना है। इसके लिए सभी स्कूलों को 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने जमीन के मामले में जांच के दौरान बयान दर्ज कराने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आखिरी मौका दिया है। ED ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री को 7 दिनों के अंदर बयान दर्ज कराने को कहा है। साथ ही 2 दिनों के अंदर ऐसी जगह बताने को कहा है जो दोनों के लिए उपयुक्त हो। ED ने इस सिलसिले में भेजे गए पत्र को 7वां समन करार दिया है। साथ ही जगह से संबंधित सूचना 2 दिनों के अंदर लिखित रूप से देने को कहा है। आदिवासी सेंगेल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू के आह्वान पर आज भारत बंद और चक्का जाम का आह्वान किया गया है। यह बंदी आदिवासियों को उनके धार्मिक पहचान सरना कॉलम कोड देने की मांग को लेकर की जा रही है। सेंगेल अभियान के केंद्रीय संयोजक बीमो मुर्मू ने बताया कि पूरे कोल्हान समेत दूसरे राज्यों में भारत बंद की व्यापक तैयारी की गई है। कोल्हान के कई जगहों पर पार्टी के कार्यकर्ता रेल रोड जाम करने के लिए उतरेंगे। जमशेदपुर के करंडी में सुबह 11 बजे कार्यकर्ता पूरे दलबल के साथ सांकेतिक भारत बंद और चक्का जाम करने पहुंचे। खबर खेल जगत से, साउथ अफ्रीका वर्सेज इंडिया दूसरे और फाइनल टेस्ट से पहले मेजबान टीम को बड़ा झटका लगा है। तेज गेंदबाज गेराल्ड कोएट्जी चोट के चलते केप टाउन टेस्ट से बाहर हो गए हैं। क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने आज अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर इसकी जानकारी दी। क्रिकेट साउथ अफ्रीका के अनुसार तेज गेंदबाज गेराल्ड कोएट्जी सुपर स्पोर्ट्स पार्क में पहले टेस्ट के दौरान पेल्विक सूजन विकसित होने के बाद भारत के खिलाफ दूसरे बिटवे टेस्ट में नहीं खेलेंगे। बात मौसम के मिजाज की, मौसम विभाग ने आज पटना सहित 13 जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 18 जिलों में मध्यम कोहरे की चेतावनी दी है। कोहरे की अधिकता बढ़ने से सूबे के शहरों के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भाग में घना कोहरा रहेगा। उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य बिहार के जिलों में मध्यम स्तर का कोहरा रहेगा।
घने कोहरे का असर विमानों और ट्रेनों पर इस तरह पड़ा कि उनकी आवाजाही चरमरा गई है। शुक्रवार को एक विमान को रद्द करना पड़ा जबकि 38 देर से आए और गए, वहीं 18 ट्रेनें भी लेट हैं। शुक्रवार को पहली उड़ान 12:28 पर लखनऊ से पटना पहुंची। विमानों की लेट लतीफी के बीच टर्मिनल भवन के बाहर और भीतर मेले जैसा नजारा रहा। रनवे पर दृश्यता कम होने से इंडिगो के विमान 6E6902 को 3 चक्कर लगाना पड़ा। दर्श न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।